हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम करने वाले कार्बोरेटर क्लीनिंग, और इसमें आपको 8-8 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं, उसको खोल लीजिए कार्बोरेटर के। ये हम कर रहे हैं स्प्लेंडर प्रो में। तो गाइज़, आपके पास प्लस भी है तो भी उसमें वही कार्बोरेटर होता है। उसके बाद आपको ये थ्रोटल का ये नट होता है, इसको वो खोल लेना है, तो आपका जो थ्रोटल है वो बाहर आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ क्लैंप होता है, इसको खोल लेंगे पेचकस से। तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा टाइट होता है, और इसमें पेचकस डालेंगे तो आपका इजीली बाहर आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पाइपें लगी होती हैं, तो इसको बाहर निकाल लेंगे पाइपों को। ये थोड़ा सा पाइप ज़्यादा टाइट है, इसको मतलब निकाल सकते हैं पेचकस से, तो ये फट जाती है, उसको काट के दोबारा लगा सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइस, अब आप पेट्रोल लीजिए और इसको बाहर से पूरी तरह क्लीन कर दीजिए पेट्रोल से। और उसके बाद इस पर जो है ब्रश से हम इसको क्लीन करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर से, तभी मतलब अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर अब नहीं क्लीन किया तो हमने तो थोड़ा जो भी डस्ट होता है वो अंदर जाएगा। तो पहले बाहर से इसको पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे। सो गाइज़, ये दोनों स्क्रू है नीचे की तरफ, इसको खोल लीजिए। और खोलने के बाद इसमें 2 जेट होते हैं, ये हमारा स्लो जेट है जो हम खोल रहे हैं, और एक मेन जेट है उधर वाला, वो जो बड़े वाला है वो मेन जेट होता है। तो इन दोनों को खोलने के बाद इसको मतलब निकाल लीजिए बाहर को, और पेट्रोल से इसको अच्छी तरह से वॉश कर दीजिए, ताकि मतलब ये सारा ही क्लीन हो जाए अच्छी तरह से, इसके अंदर थोड़ा सा भी कचरा ना रह जाए। तो पहले इसको ब्रश से बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे हम। सो गाइस, क्लीन करने के बाद अब पेट्रोल से हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से धो देंगे। मतलब ये जो साफ पेट्रोल हमारा आ रहा है, जो पेट्रोल टैंक में हमने पाइप लगाई थी, वहाँ से इसको मतलब सक करके धो लेंगे अच्छी तरह से पेट्रोल से इसे। और फिर ये जो जेट वगैरह है हमारे, स्क्रू वगैरह, इनको भी धो के अलग साइड में रख लेंगे फिर, ताकि ये सूख जाए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे। सो गाइस, ये हमारे सूख रहे हैं कुछ कार्बोरेटर के पार्ट्स, अब इसको हम असेंबल कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन जेट है, इसको लगा दीजिए उसको, और स्लो जेट को लगा के इसको पेचकस से हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद ये दोनों स्क्रू जो हमने खोले थे, ये इसके कटोरे कहते हैं इसे वैसे, तो कटोरे के नट को लगा देंगे। और कटोरे मतलब कि ये लगने के बाद इसको पूरी तरह से टाइट कर लीजिए। और टाइट करने के बाद जो हमारा थ्रोटल है उसको लगाइए, उसमें मतलब 2 कट होते हैं, देख के लगाना कि वो जहाँ पे भी होता है उसका कट। और गाइज, उसको जो हमारा ये हॉस पाइप है उसके बीच में फंसा देंगे। और बीच में फंसाने के बाद जो हमारा यहाँ पे एक रबड़ आती है उसको लगा देंगे। रबड़ को लगाने के बाद उसमें स्क्रू लगा दीजिए, स्क्रू लगाने के साथ ही इसे टाइट कर देंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह से, इसको टाइट कर दीजिए इस पैनल से। और उसके बाद इसमें जो भी इसका टीपी सेंसर वगैरह निकाला था हमने, उसको अच्छी तरह से लगा के पाइप लगाने के बाद इसको दोबारा से आप चला सकते हैं। गाइस, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।